बलरामपुर में बाढ़ का कहर, बलरामपुर पानी पानी, बाढ़ से हालात बेहद खराब। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश के कारण 18 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। योगी सरकार लोगों को राहत सामग्री देने में जुटी है। बाढ़ पीड़ितों का जायजा लेने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बलरामपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने लोगों के बीच राहत सामग्री बांटी। सीएम ने बाढ़ की समीक्षा करने के लिए सभी मंत्रियों को जिलों में भ्रमण पर भेजा है। बता दें, बलरामपुर जिले में बाढ़ से हालात बेहद खराब हैं। करीब 20 लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित हुई है। कलेक्ट्रेट सहित तमाम सरकारी कार्यालयों में पानी भरा हुआ है। 280 से अधिक गांव बलरामपुर जनपद के प्रभावित हैं। मैं भी उतरौला और बलरामपुर सदर के गांवों का निरीक्षण करते हुए फिर श्रावस्ती की ओर जाऊंगा। इन सभी गांवों में तत्काल राहत कार्य युद्ध स्तर पर हो, पर्याप्त संख्या में यहां पर पीड़ित परिवारों को राहत पैकेट वितरित हो, जिसमें आटा है, चावल है, 10 किलो गेहूं है, सूखा चना, भूजा, दाल, तेल, नमक, देसलाई, मोमबत्ती, बाल्टी आदि जितना भी हो सकता है, और लंच पैकेट, दवा की किट, ये सभी वितरित करने के लिए भी पर्याप्त मात्रा में सामग्री जिला प्रशासन के पास उपलब्ध कराई गई है। प्रशासन अपने स्तर पर कार्य कर रहा है। जनप्रतिनिधि भी राहत और बचाव कार्य के लिए लगे हैं, और मैं सभी जनप्रतिनिधियों से कहूंगा कि सभी अन्य कार्य स्थगित करते हुए इस समय सभी पीड़ित परिवारों तक राहत सामग्री उपलब्ध करवाएं। जनहानि पर उस पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपए की सहायता तत्काल उपलब्ध करवाएं। जिनके मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं और उनके पास कोई अन्य साधन नहीं, उन्हें मुख्यमंत्री आवास योजना से भी आवास उपलब्ध करवाएं। जिनके मकान आंशिक क्षतिग्रस्त हुए हैं उसके भी राहत, आपदा राहत में उन्हें आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने की कार्रवाई करें। इसके अलावा भी जन हानि के साथ साथ पशु हानि पर भी उन परिवारों को आर्थिक सहायता दें। बचाव के उपाय किए जाए। बाढ़ का पानी जहां उतर रहा है उन गांवों में तत्काल स्वच्छता, सैनिटाइजेशन की कार्रवाई, छिड़काव की कार्रवाई हो, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था वहां पर हो। जहां पर शुद्ध पेयजल तत्काल पहुंचाने में दिक्कत है तो वहां पर एक व्यवस्था जरूर की जाए कि लोगों को पानी गर्म करके पीने के लिए कहें, जिससे कहीं भी किसी को कोई समस्या ना आने पाए। आपदा है, इस आपदा का मुकाबला सबको मिलकर के करना चाहिए। आपको बता दें, यूपी में लगातार बारिश होने से कई गांव में बाढ़ आ गई है। यूपी के 18 जिलों के 1370 गांव बाढ़ से घिरे हैं। बलरामपुर सर्वाधिक है 287, सिद्धार्थनगर में 129, गोरखपुर में 120, श्रावस्ती में 114, गोंडा में 110, बहराइच में 102, लखीमपुर में 86 और बाराबंकी के 82 गांव प्रभावित हुए हैं। हेलीकॉप्टर से बाढ़ की विभीषिका का जायजा लेने के बाद सीएम योगी ने प्रभावित लोगों को राहत सामग्री अपने हाथों से बांटी। ग्राम गोंदीपुर सहित करीब आधा दर्जन गांव के लोगों ने सीएम योगी से राहत सामग्री ली। मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग उतरौल रोड पर कराई गई। वहीं आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्रावस्ती के अलावा बलरामपुर और बहराइच का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। बता दें, गोंडा, बहराइच और श्रावस्ती के कई कस्बों तक बाढ़ का पानी पहुंच गया है। योगी सरकार ने बचाव कार्य और राहत के लिए NDRF, SDRF और PAC भेजने का निर्देश दिया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।